आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। आज मैं आपके साथ मोदक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मोदक तो सभी अच्छे होते हैं और सभी गणेश भगवान को बहुत ही पसंद होते हैं, लेकिन जो ये मोदक है ये असली वाला मोदक है जो गणपति पप्पा को बहुत ही प्रिय है। ये बेसन मोदक है और बेसन मोदक सबसे ज्यादा पसंद आता है गणपति पप्पा को। और इसमें जो मैंने फिलिंग भरी है वो तो और भी खास है और उससे ही ये मोदक खास बनता है। तो आपको यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए इस बार गणेश चतुर्थी पे यही खास मोदक बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डाला है आधा कटोरी घी, ये देसी घी है, और आधा कटोरी घी के लिए मैंने डेढ़ कटोरी बेसन लिया है। माप हम इसी तरीके से रखेंगे और अब लगातार चलाते हुए बेसन की भुनाई करेंगे। तो हमें लगातार चलाते रहना है ताकि हमारा बेसन जले नहीं, और आंच को मीडियम टू लो रखेंगे, ज्यादा तेज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा और फिर मोदक का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो देखिए इसे मैंने लगातार चलाते हुए अच्छे से 7-8 मिनट तक भुना है और काफी हल्का और घी भी रिलीज होने लगा है। जैसे जैसे हम भूनते हैं घी रिलीज होने लगता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि डाल देंगे दूध। तो एक कटोरी मैंने दूध लिया है, जिस कटोरी से बेसन का माप लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी दूध मैंने डाला है। तो दूध डालने के बाद भी इसे चला लिया है और अभी आंच को एकदम कम कर दिया है। और ये है केसर मिल्क, तो केसर को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था और वही डाला है इसमें। इससे इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और अब मैंने दो पैकेट 5 रूपये वाला मिल्क पाउडर का पैकेट डाला है। तो आप इसको डाल देते हैं तो आपके मोदक में बढ़िया सा खोए वाला टेस्ट आ जाता है। मिल्क पाउडर आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाता है, इसको ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। और इसे अच्छे से इसमें मिला देंगे। तो देखिए लगातार चला के मैंने इसे मिला लिया है और अब ये रेडी हो चुका है। तो इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे और इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है पनीर, तो 100 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया है, मैंने ये घर में ही बनाया था। और अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट है जिसमें काजू बादाम किशमिश ये सारी चीजें हैं। और अब इसे थोड़ी देर इस पनीर को भून लेंगे। पनीर को भूनना इसलिए जरूरी है ताकि ये मोदक जल्दी से खराब ना हो, नहीं तो पनीर यदि कच्चा रहा तो खराब हो जाएगा। तो देखिए मैंने 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से भून लिया और बस 2-3 मिनट में वो रेडी हो चुका है। और यहाँ जो हमने बेसन भून के रखा था वो भी रेडी हो चुका है, ठंडा हो गया है। तो अब इसमें मैंने लिया है शुगर पाउडर, तो यहाँ शुगर पाउडर डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। तो आधा कटोरी मैंने इसमें चीनी लिया था, आधा कटोरी में अच्छा मीठा हो जाता है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। और देखिए यहाँ ये बंधने लगा है। तो अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने मोदक मोल्ड लिया है बनाने के लिए, इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और घी लगाने के बाद इसमें कुछ केसर के धागे लगा देंगे, इससे हमारे मोदक में बढ़िया से केसर के धागे लग जाते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से इसमें अपना डाल देंगे और डालने के बाद देखिए सीधा मैंने इसे कर लिया है, उंगली की मदद से अच्छे से चारों तरफ दबा लिया है। और जो पनीर वाली फिलिंग तैयार करके रखी थी उसको भी बीच में डाल देंगे और वापस से बेसन डाल देंगे इस पे। तो इसको मैंने पैक कर लिया और अब इसे खोल के देखते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया और सुंदर सा मोदक बनके तैयार हो गया है। मोदक बहुत ही बढ़िया बना है, इसी तरीके से हम सारे मोदक बना लेंगे। तो सारे मोदक मैंने बना लिए हैं और एक मोदक मैं हाथ से भी बना के आपको दिखाती हूँ। जिसके पास मोल्ड नहीं रहता है वो हाथ से भी किस तरीके से बना सकता है। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से दबाए और या चाकू या चम्मच की डंटी की मदद से हम इस पे डिजाइन बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं और ये मोदक भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो देखिए कितने आसान है मोदक बनाना।
तो इस तरीके से मेरे सारे मोदक बन चुके हैं और यहाँ मैंने इसे सर्व किया है। तो कैसी लगी मेरी मोदक की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।